मतलब ये मारुति जो है क्योंकि मैं अपने मोनोपोली हो रही है हर चीज की। फिर गाड़ी देखने भी गए तो वहाँ पे भी उन्होंने भाई जैसे मतलब कि दिखा दी उनको, ठीक है भैया ले 6 महीने की वेटिंग, 5 महीने की वेटिंग हर। तो वैगनर के कंपेरिजन में सही लगी गाड़ी इसी, मतलब कि 40-50 हज़ार रुपये का अंतर है दोनों में, पर उसके हिसाब से जो है गाड़ी मजबूत है और सेफ्टी फीचर काफ़ी है। फिर इसमें फीचर बहुत सारे थे रखे हैं वैगनर से ज़्यादा ही। चलाने में कैसी लगी आपको ये? चल नहीं पता लगी थी ना, पेट्रोल पे चल रही ना सीएनजी पे चल रही पता नहीं लगती हमें तो। अच्छा हाँ। उसका दरवाजे, इसके दरवाजे कैसे लगे? सेम से लगे कुछ? सेम दरवाजे हाँ एकदम बिल्कुल, जैसे मैं अभी कल रात भी गया था पोलो में तो जैसे बंद करते हैं ना इसको तो वही फीलिंग आती एकदम पोलो वाली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम है कुणाल भारद्वाज और आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो गाइज आज अपने पास है टियागो और टियागो आई सी एन जी, आप देख सकते हो ऊपर सी एन जी का लोगो और पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ आई सी एन जी का लोगो इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ये आई सी एन जी का लोगो। तो ये गाड़ी ली है हमारे एक मिलने वाले भाई हैं मिस्टर प्रिंस भड़ाना और उन्होंने ये गाड़ी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही उनके पास ये गाड़ी आई है। तो मैंने उनसे बोला था कि भाई एक आपका इंटरव्यू लेना है अपने चैनल पर कि आपने ये गाड़ी क्यों चूज़ करी, क्या क्या रीज़न थे ये गाड़ी चूज़ करने के, और इस गाड़ी को चला के भी देखेंगे। तो शायद दो पार्ट में वीडियो आएगी, मैं देखूंगा अगर लंबी हुई तो दो पार्ट में डाल दूंगा, छोटी हुई तो एक में डाल दूंगा। एक में मैं अपना ड्राइव रिव्यू शेयर करूंगा और एक में भाई की स्टोरी जानेंगे। इस अगर मैं बात करूँ उसे कॉम्पिटिशन में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आती है नियोस, नियोस सी एन जी में। तो नियोस में यार दो ही वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, बट टियागो में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं जो सीएनजी में देखने को मिल जाते हैं और इसकी पावर उससे ज़्यादा है। और अब बात करते हैं वैगनार की और सेंट्रो की, दोनों में आपको सीएनजी मिलती है, बट अगर आप कंपेयर करोगे इससे टियागो से तो भाई परफॉर्मेंस आधी है उनकी इसके मुकाबले। तो सीएनजी में अगर कोई आप गाड़ी दे रहे हो तो टियागो या टिगोर दोनों ही आपका बेटर ऑप्शन हो सकता है। टिगोर भी देखोगे तो उससे कंपटीशन में सिर्फ और आती है और उसमें एक ही या दो मॉडल में ही आपको सीएनजी देखने को मिलती है। फिर वही अगर आप पावर की बात करोगे तो पावर इसमें अच्छी मिलती है, टाटा ने क्लेम किया है कि बेस्ट इन सेगमेंट इसकी पावर है, मतलब सारे सेगमेंट्स में इसकी पावर सबसे बढ़िया आपको मिलती है। तो एक मैं काम करूँगा, एक और इसका पार्ट बनाऊँगा जिसमें इसको चला के देखेंगे, ठीक है। मैं देखूँगा कि फर्स्ट और सेकंड गियर में ये विदाउट रेस उठ जाती है या नहीं सीएनजी के अंदर, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखना। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें कमियां क्या हैं, तो कमियां अभी ओनर से पूछ रहे थे कि क्या क्या कमी उनको लगी है। तो गाइस अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो रिकमेंड मैं ज़रूर करूँगा इस कार को, क्योंकि इसमें सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए सब कुछ इसमें मिल जाता है। जैसे परफॉर्मेंस चाहिए होती है सीएनजी वालों को, परफॉर्मेंस मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। एवरेज का देखो थोड़ा बहुत इशू है क्योंकि गाड़ी भारी है, 5-स्टार रेटिंग के साथ ये कार आती है, 4 स्टार रेटिंग के साथ ये कार आ जाती है, तो एवरेज का इशू आपको आएगा। तो यार थोड़ा बहुत तो आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको सेफ्टी मिल रही है तो। तो चलिए अब ओनर के पास दोबारा चलते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या कमी उनको लगी है अभी तक। तो गाइज ये है इस कार के ओनर मिस्टर प्रिंस भड़ाना भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप कैसे? बस बहुत बढ़िया भाई। तो प्रिंस भाई ये अपनी है टियागो, तो टियागो कैसे चूज करी, मतलब क्या प्लानिंग थी इसे लेने की? ये सीएनजी गाड़ी लेने की प्लानिंग थी कोई भी। अच्छा, कोई भी गाड़ी लेंगे सीएनजी की, तो पहले वैगनार थी, फिर पता लगा कि टाटा टियागो भी आ रही है, मैंने चलो सब देखते हैं। तो वैगनार के कंपेरिजन में सही लगी गाड़ी इसी, मतलब कि 40-50 हज़ार रुपये का अंतर है दोनों में, पर उसके हिसाब से जो है गाड़ी मजबूत है और सेफ्टी फीचर काफ़ी है। फिर इसमें फीचर बहुत सारे थे रखे हैं वैगनार से ज़्यादा ही, इसलिए फिर मैं यही पसंद आई थी। मतलब आपने इसलिए ली कि सेफ्टी को देखते हुए आपने ये गाड़ी चूज़ करी। तो गाइस ये चीज़ आजकल इंडिया में लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, पहले ना मारुति गाड़ी लेते थे लोग और टाटा को भाई कोई प्रेफर नहीं करता था, लेकिन टाटा इतना बढ़िया काम कर रहा है, सीएनजी गाड़ी वगैरह निकाल रहा है और लोग इसे ले भी रहे हैं और अभी हम इसको चलाएंगे भी। तो प्रिंस भाई और कौन सी गाड़ी देखी थी इसके अलावा? वैगनार देखी थी भाई इसमें। अच्छा, बस वैगनार ही देखी थी आपने? सेंट्रो का विचार था, पर देखिए वैगनार क्योंकि इससे पहले वैगनार थी। इससे पहले आप वैगनार थी, सेल करती थी, वो भी सीएनजी में ही थी। हाँ, तो फिर मैक्सिमम नई वैगनार देखेंगे। उसके बाद देखा कि फिर मारुति में कुछ इतना खास भी नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल बस खाना पूर्ति से कर रहे हैं, मतलब एक जो कस्टमर की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो अभी तक कोई कुछ कमी वगैरह लगी इस गाड़ी नहीं, में? नहीं, कोई कमी नहीं भाई साहब। ठीक है, ऐसे चलाने में कैसी लगी आपको ये? चलो नहीं पता लगी थी ना, पेट्रोल पे चल रही ना सीएनजी पे चल रही पता नहीं लगती हमें तो। अच्छा हाँ। मतलब आपको कुछ भी पता नहीं चलता कोई डिफरेंस? नहीं, नहीं, नहीं पता। तो अभी तो वैसे आपने शायद 100 किलोमीटर ही चलाई है? हाँ, दो तीन दिन हुए हैं लिए हुए इस कार को। तो वेटिंग वगैरह कितनी थी भाई इसमें आपकी? वेटिंग तो भाई इसकी काफी है, तो काफी पहले बुक कर रखी थी, जब आई थी ना, जब लॉन्च हुई थी, जब उसके 2-3 दिन बाद ही बुक कर दी। अच्छा, ये भी तो मतलब बिना देखे बिना टेस्ट ड्राइव करी आपने बुक कर दी? अच्छा, तो आपको लगता था कि हाँ भाई टाटा निकाल रहा है तो कुछ
ऐसा ना कि मतलब ये मारुति जो है क्योंकि मैं अपनी मोनोपोली हो रही है हर चीज की। फिर गाड़ी देखने भी गए तो वहाँ पे भी उन्होंने भाई जैसे मतलब कि दिखा दी उनको, ठीक है भैया ले लो 6 महीने की वेटिंग, 5 महीने की वेटिंग, हर गाड़ी वेटिंग तो चलो है ही हर गाड़ी पे, पर फिर ज्यादा मोनोपोली हो रही है। हम देखने गए तो टियागो पेट्रोल देख रखी थी मैंने, जैसे पेट्रोल गाड़ी थी वो चला के देखी थी मैंने, तो मुझे समझ भाई जब टाटा बाजार में निकाल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके देगा ही, फिर हमें पसंद आ गया। तो इसमें जैसे आप बता रहे थे सीएनजी पे और पेट्रोल पे चलाने में कोई डिफरेंस लगा अभी तक? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, आप चला के देखो। हाँ वो मैं भी देखूंगा चला के। अच्छा जैसे वाइब्रेशन वगैरह पहले शिकायत थी उसकी, तो उस चीज की वाइब्रेशन वगैरह कुछ लगती है इस कार में? ये अभी स्टार्ट खड़ी है। हाँ ये भी देख सकते हो आप, स्टार्ट है और फिलहाल कोई वाइब्रेशन नहीं, तो ये चीज दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, तो मेरा काम था बस पूछने का आपसे। कोई वाइब्रेशन? हाँ तो कोई वाइब्रेशन फिलहाल इसमें है नहीं, और सेफ्टी फीचर काफी सारे हैं। हाँ और वैसे भी फीचर्स जो गाड़ी के फीचर्स होते हैं वो भी काफी है। अच्छा ये वाला वेरिएंट क्यों चूज करा आपने, ये वाला सिर्फ? ये जो बेस मॉडल है ना, हाँ। उससे एक ऊपर है, ये एक्सटी मॉडल है। हाँ हाँ बेस से ऊपर इसमें सब कुछ है, मतलब कि डैग है, मतलब कि ये वाला आपको मॉडल बढ़िया लगा कि भाई इस पर जाते हैं? हाँ, इस पे जाते। अच्छा प्रिंस भाई ऐसा लगता है यार बूट स्पेस तो बचा ही नहीं गाड़ी में थोड़ा बहुत भी? वैसे मेरे फादर चलाते हैं। हाँ, ठीक है ना, फादर के लिए ली गई है तो वो अकेले चलते हैं, उनको कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा बैग वैग एक बार तो किसी सीट पर रख लो अपना। हाँ मतलब एक बंदे वो फैमिली के लिए, तो आप कह सकते हो कि भाई फैमिली कहीं जा रही है। हाँ तो उसके लिए तो दिक्कत है। तो वैसे तो एक गाड़ी और है आपके पास, एक और स्विफ्ट है भाई पे डीजल में, उसकी वीडियो भी आ जाएगी जल्दी, और हो सकता है उससे पहले भी मैं डाल दूं, उसमें सिस्टम लगवाया था काफी बढ़िया, तो उसकी वीडियो भी हो सकता है पहले या बाद में आ जाए। एक बार मैं इसका बूट खोल के दिखाता हूँ। तो इसमें जो आप देख सकते हो उसमें बूट स्पेस तो फिलहाल नहीं बचता, बट थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ आपको दिख जाएगा। कुछ बैग रख सकते हो, सीट नीचे से वो सीट फोल्ड हो जाती है, जैसे कि आपने यूट्यूब पर वीडियोस में देखा होगा, नीचे से जगह है थोड़ी सी, तो यहाँ पे जगह मिल जाती है। इसमें अच्छा खासा रख दो सीट, ये इसको प्रेस करके यहाँ से मतलब ऊपर को खींच के ये नीचे गिर जाएगा और इसमें स्पेस बच जाती है, तो थोड़ी बहुत स्पेस बच जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलते हैं भाई अंदर ही बात करते हैं। तो उसमें ये कलर है और इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है इसमें भाई व्हील कवर है और बढ़िया, दूर से तो एकदम एलोय लग रहे हैं देखने में। इसका डिज़ाइन काफ़ी शार्प है, काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन है, और ये जो चीज़ है ना भाई इसकी जो हेडलाइट है काफ़ी मस्त लगती है। तो इनकी स्टोरी भाई यही रही थी कि इन्होंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखी थी, उसके बाद इनको पसंद आई अपनी टियागो की ICNG। इन्होंने भाई ने बताया वैगनार भी देखी, सेंट्रो भी देखी CNG में। जो इनके फादर साहब हैं उनकी रनिंग अच्छी खासी रहती है, मतलब दूसरे शहर जाते हैं वो अप डाउन करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि भाई CNG गाड़ी ले लेते हैं, तो ये वाली इन्होंने चूज़ कर ली गाड़ी। बाकी भाई इसमें देख सकते हो क्रोम वगैरह की फिनिश भी आपको देखने को मिल जाती है। अभी अप्लाइड फॉर नंबर है, नंबर आएगा तो, अभी तो कुछ दिन पुरानी ही गाड़ी है। बाकी अगला पार्ट बनाते हैं, उस समय इसको चला कर देखता हूँ, चला के देखने के बाद इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें कमी है, क्या है, चलने में कैसी लगती है। बाकी भाई को कुछ अभी फिलहाल कमी वगैरह लगी है नहीं इसमें, कोई कमी वगैरह लगेगी तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा। और इसका स्टीयरिंग यार काफ़ी लाइट है, काफ़ी मज़ा आता है चलाने में, इसका लुक काफ़ी मस्त है। और ये आप देख सकते हो उसमें शोल्डर लाइन्स हैं यहाँ पे फेंडर के पास, यहाँ से लेकर आगे तक जा रही है, और ये देखो आप शोल्डर लाइन्स काफ़ी मस्त लग रही हैं, जो उठी सी है ना। बाकी डिज़ाइन वगैरह तो सेम वही है, कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज है नहीं, ठीक है। इसका फेस लिफ्ट आ जाएगा क्या, तो बम्पर वगैरह चेंज कर दिया था, लाइट वगैरह चेंज कर दी थी, जो काफ़ी मस्त लगती है, थोड़ी थोड़ी ऑल्ट्रोस की तरह लगती हैं ये। बाकी यही थी इनकी भाई की स्टोरी। दरवाजा जब बंद करते हैं तो भाई बहुत बढ़िया फील आती है, लगता है कि इसी मजबूत सी गाड़ी में बैठे हो। भाई जर्मन गाड़ी चलाइए कोई आपने? पोलो चलाइए। पोलो उसका दरवाजे, इसके दरवाजे कैसे लगे, सेम से लगे कुछ? सेम दरवाजे। हाँ एकदम बिल्कुल, जैसे मैं अभी कल रात भी गया था पोलो में, तो जैसे बंद करते हैं ना इसको तो वही फीलिंग आती है एकदम पोलो वाली। तो भाई थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो अब गाइस एक पार्ट और बनाते हैं, उसमें इसको चला के देखते हैं कार को, फिर मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यही था आज का हमारा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, टिल देन टेक केयर।